तो ये 5 गार्डन है मसाला कबाब में, और गार्डन 130 एकड़ में खोला और प्राइवेट जो ओनर है उनका नाम है मिस्टर माधव सहकारी। लास्ट में ये जो सहकारी है उनका सर नहीं, लास्ट में अभी उनका ये 7th जनरेशन है। आपकी पीढ़ी से गार्डन है और मिक्स कल्टीवेशन है, अलग अलग जगह पर लगाया। सबसे महंगा मसाला पेड़ देखो, ये दालचीनी का है, ठीक है दालचीनी का ये पेड़ के ऊपर से आपको ये जो छाल मिलता है सिर्फ यही दालचीनी, उसका फ्रूट हाँ पेड़ का ये जो छाल है सिर्फ यही दालचीनी, फ्रूट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ छाल ही होता है आपका दालचीनी पेड़ का, ठीक है ये छाल। और उसके बाद पत्ते को थोड़ा यूज किया जाता है घर में लाइक बेली तेज पत्ते की तरह उसको यूज किया, और इसमें से एक ऑयल भी मिलता है दालचीनी का जो मेडिसिनल यूज होता है जॉइंट पेन मसल पेन आर्थराइटिस के लिए, बट ऑयल इतना स्ट्रॉन्ग रहता है स्किन के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगा सकते, उसको डाइल्यूट किया जाता है 25 ml कोकोनट ऑयल के साथ 2 ड्रॉप दालचीनी का तेल डाल के मिक्स करके मसाला। देखिए ये सूखा वाला और उसमें पत्ता भी आया है, ये वनीला क्रीपर, वनीला जो केक और आइसक्रीम में होता है ये उसका क्रीपर, तो ये सूखा वाला पेड़ के ऊपर से जो जिगजाग सा गया ना ये वाला, और वहाँ पर पीछे की तरफ से देखो जो पत्ते भी है वो भी है वनीला क्रीपर, वो भी है ना पत्ते वाला, पत्ते वाला भी। और ये जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में एक छोटा छोटा रूट आया है ना, ये होता है वनीला स्टिक वनीला पॉट, इसको रेडी होने के लिए 4 साल लगता है, 4 साल के बाद आपको एक ही बार वनीला मिलता है, तब जाकर इतना महंगा होता है, दुनिया में दूसरे नंबर पे इसको माना जाता है महंगा मसाला वनीला। तो जो उसका ऑयल आता है देखो मार्केट में वो सिंथेटिक है, केमिकल मिलावट किया जाता है, ओरिजिनल आपको नहीं मिलता है, ओरिजिनल ऑयल सिर्फ मिलता है यूके यूएस को, क्योंकि उन्हीं दोनों देशों को पता है कि उसमें से ऑयल कैसे निकाला जाता है, इसलिए तो आपको जो केक और आइसक्रीम मिलता है ब्राउन नहीं मिलता है, व्हाइट कलर का मिलता है, उसमें केमिकल मिलावट होता है, नहीं तो जो वनीला स्टिक रहता है ब्राउन कलर का ही रहता है। कोको चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है ना उसका पाउडर में, ये फ्रूट रेडी होने के बाद वहां पर देखो ऊपर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज हो गया ना, यहाँ पर आपको पेड़ के ऊपर से काट के भी उसका बीन्स निकाल सकते हो, या तो उसको निकाल के भी काट के बीन्स निकाल सकते हो। सबसे पहले कोको का बीन्स, उसके बाद सुखा के पाउडर बनाया जाता है, तो कोको पाउडर हाँ यहाँ पर छोटा सा है ऊपर भी है, यहाँ पर रेडी ऑरेंज होने के बाद रेडी लाइक पपाया की तरह हो जाता है, उसके बाद उसको निकाल के भी आपको बीन्स निकाल सकते हो, या पेड़ के ऊपर से भी ऑन करके उसमें से बीन्स निकाल सकते हो, उसके बाद पाउडर बनाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो ग्रो होता है केरला में होता है कोको, सबसे ज्यादा वही होता है, बट केरला का भी पेड़ नहीं है कोको, ये ब्राजील का हिस्सा होता है अमेरिका, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वही होता है। आप लोगों को कोको देखने में और स्मेल में अच्छा लगता है, टेस्ट उसका बहुत कड़वा है, लेकिन बहुत कड़वा है देखने में और स्मेल में। ये देखो काली मिर्च ब्लैक पेपर, पेड़ के ऊपर से जो बेल चढ़ा के जो बंच का लगा है ना, वो क्या है काली मिर्च ब्लैक पेपर, मार्केट में दो तरह की आता है ना ब्लैक और व्हाइट, हाँ इधर व्हाइट भी, ऐसा नहीं कि उसका जो पेड़ रहता है या बेल रहता है अलग अलग, एक ही में से मिलता है, सिर्फ प्रोसेसिंग अलग अलग होता है, देखा जाए तो 4 कलर हो जाता है पेड़ के ऊपर से, अभी ग्रीन पकने के बाद रेड, रेड को निकाल के धूप में सुखा दिया जाए तो ब्लैक, उसी रेड को गर्म पानी में उबाल देंगे 10 मिनट ऊपर का स्किन चला जाए तो व्हाइट, एक ही में से 4 मिल जाता है। उसका यूज भी देखो, रेड को जैसे कि चाइनीज फूड में यूज होता है या तो ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि ब्लैक और व्हाइट बनाया जाता है, ये ग्रीन अचार बनाया जाता है, और जो ब्लैक पेपर रहते हैं उसको हर जगह भी यूज करते हो, चाय में स्पाइसेस में एसिडिटी गैस्ट्रिक पेशेंट को भी दिया जाता है, ब्लैक भी बनाया जाता है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के लिए भी यूज किया जाता है, कि सफेद मिर्च जो दही मिर्च कहते हैं ना हाई टाइप के लिए मेमोरी के लिए, लोकल मार्केट में उसका पाउडर मिलता है, पेपर ज्यादा नहीं मिलता है, तो ये मेडिसिन स्टोर। टर्मरिक हल्दी, ये जमीन के अंदर रहता है ये, टर्मरिक ये जमीन के अंदर रहता है, और ये जब रेडी हो जाता है जमीन के अंदर से ऊपर जो ये ग्रास है हल्दी का, ये अपने आप सूख जाता है, जो भी रहता है अपने आप सूख जाता है, उसके बाद इसको निकाल के पहले गर्म पानी में उबाल के सुखाते हैं। आप लोग कच्ची हल्दी को फ्रिज के अंदर भी रखोगे 10 दिन के बाद काला पड़ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं रुकता, बट मार्केट से सूखा रूट लाते हैं ना 1 साल यूज कर सकते हो उसमें, तो खराब नहीं होता इतना दिन, इसीलिए गर्म पानी में उबालते हैं क्योंकि ये ज्यादा दिन तक रुकता है और हल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो मेडिसिनल आता है कच्चे वाले, इसको माना जाता है ना जो एंटीबायोटिक कैंसर के लिए भी यूज होता है कच्चे वाले, यहाँ पर देखा नहीं तो वहाँ पर एक छोटा सा नींबू की तरह हुआ है, जायफल है ये, ठीक है। तो ये जायफल जब रेडी होता है अंदर से 2 मसाला मिलता है, जब फ्रूट रेडी हो जाता है अपने आप खुल जाता है, एक रेड फ्लावर आता है उसको जावेत्री कहते हैं, और जो नट मिलता है उसको जायफल कहते हैं, दोनों आपको एक ही में से मिलता है, अलग अलग पेड़ नहीं, जावेत्री जायफल एक ही में से, जायफल हाँ फुल जावेत्री और जो नट जायफल, इसमें थोड़ा सा नशा भी रहता है, फल के ऊपर बच्चे लोगों को दिया जाता है नींद में आने के लिए। और एक जैसे कि एक मेडिसिनल यूज होता है डाउट के लिए, डाउट क्या करके अगर बॉडी का सुधार होता है तब होता है, तो उसके लिए जायफल का पाउडर नींबू का जूस अदरक का पेस्ट उसको मिक्स करके उसके ऊपर लगाना है, लगाने के बाद 45 डेज लगाए तो 45 डेज में उसको क्लियर करता है डाउट के।
सुपारी सुपारी ये ग्रीन रेडी होते तो ऑरेंज, ऑरेंज होने के बाद उसको निकालते हैं, पहले सुखाया जाता है, कच्ची सुपारी नहीं खाया जाता है, कच्ची सुपारी खाया जाए तो फटके में यूज करना समझते हैं, थोड़ा सा सुखाया जाता है और ये पान में भी यूज होता है, गुटखा में भी और पूजा में भी यूज होता है सुपारी, ठीक है। पेड़ के ऊपर जो ये खूबी है देखो ये रिंग, ये जो रिंग से उसका एज बताता है पेड़ का जी, साल में तीन रिंग आता है सुपारी का, एक दो तीन, ये वो आपका एक साल का पेड़ सुपारी 45 ईयर्स फ्रूट देता है। नारियल का पेड़ के ऊपर भी रिंग रहता है, चार रिंग आता है उसका, नारियल का 80 साल फ्रूट देता है, बट नारियल जो पेड़ रहता है उसका लाइफ 100 साल तक रहता है, उसका 45 ईयर्स। यहाँ पर एक फ्रूट देखो उसकी तरह दिखता है काजू के फ्रूट की तरह, बट ये आते ही साबुन है, रियल में काजू फ्रूट ऐसा दिखता है क्योंकि उसका सीजन गर्मी में आता है मार्च अप्रैल। एक दुनिया का ऐसा फ्रूट है जो फ्रूट ऊपर नट आउट साइड नीचे की तरफ से आता है और एक फ्रूट के ऊपर एक ही नट मिलता है, रेडी जो होता है कलर भी चेंज होता है। नीचे जो नट है उसको निकाल के पहले थोड़ा सा सुखा के गर्म किया जाता है, दांतों में चबा के नहीं निकालना चाहिए क्योंकि पूरी मुंह जला देगा, इसमें एनाकारिक एसिड रहता है, इसलिए थोड़ा सा गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर निकालते हैं। ऊपर जो फ्रूट है उसमें पूरा जूस भरा रहता है, बहुत मीठा लगता है जूस और ज्यादा पीने से गले में कुछ अटका हुआ जैसा लगता है, बट हम लोग उसी जूस में से अल्कोहल बनाते हैं, तो बड़ी मात्रा में जूस कैसे निकाला जाता है, फ्रूट को यहाँ पर जब रखा जाता है, ये पीछे एक मशीन है देखो, एक रस मशीन, फ्रूट को उसके अंदर डाल देते हैं, रस जब हो जाता है तो जूस पूरा निकाला है कि नहीं, होने के बाद जूस को यहाँ पर टैंक में रखा जाता है, कैसे पूरा फुल करके 4 से 6 दिन उसको फर्मेंटेशन के लिए धूप में रखा जाता है, सड़ाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर 2 बार डिस्टिल किया जाता है, ये उसका भट्टी है, एक जैसे कि चूल्हा जैसा बनाया जाए, ये जो अंदर जो मटका की तरफ है उसके अंदर जूस को डाल देते हैं, उसके बाद कवर ढक देते हैं, बीच में से पाइप निकालते हैं, उसके बाद आग लगाया जाता है, जब आग बढ़ता जाता है ना ऊपर स्टीम हो जाता है, उसके बाद जो पाइप रहता है बीच में कंडेंस होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप रहता है, पहली धारा में जो आता है उराग 10-12% अल्कोहल रहता है उराग, और टेस्ट में खट्टा मतलब थोड़ा सा कड़ू खट्टा हो जाता है टेस्ट में अगर ज्यादा टाइम रखा तो, इसलिए क्या किया जाता है उराग को लाकर पीछे उबाला जाता है, सेम प्रोसेस सेकंड डिस्टिल आता है काजू के अंदर 42.8% आता है, लगभग 43%। तो ये मेडिसिनल इफेक्ट है, पहले का काफी से काफी गुड फॉर आपकी लाइफ, ये बुक भी काजू का पेड़ हां काजू नहीं अभी नहीं अभी का गर्मी का मौसम है, काजू मार्च अप्रैल में काजू काजू का पेड़ है, फ्लावर का है नहीं अभी फ्लावरिंग सीजन है, देखो ये फ्लावर आ रहे हैं, गर्मी का मौसम में आता है काजू मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, ये तो उसी टाइम मिलता अभी नहीं मिलेगा अभी फेनी बच्ची फूल छोटा सा प्लांट है यहाँ पर, देखो छोटा छोटा मिर्ची लगा हुआ है, एक ऊपर की तरफ फ्लावर वाइट फ्लावर है ना उसके ऊपर एक मिर्ची लगा हुआ है छोटा सा, ये पेरी पेरी चिली है, मैकडॉनल्ड पिज्जा में इसका सॉस आता है, ये क्या है भैया क्या है ये, आओ दिखाता हूँ, छोटा सा एक मिर्ची लगा हुआ है यहाँ पर देखो ये वाला, अच्छा ठीक है, ये पेरी पेरी चिली है, ये मिर्ची आपको देखो ऊपर की तरफ मिला है, बाकी मिर्ची नीचे में आता है, और पेरी पेरी चिली इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है, इसका सॉस भी आता है ना पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी चिकन, मैकडोनल्ड पिज्जा में इसका सॉस आता है, हाँ। तो ये जो है मिर्ची का साइज इतना ही रहता है, 2 सेंटीमीटर रेड होने के बाद उसको निकालते हैं पेरी पेरी चिली को, अभी जब खाना खाएंगे ना तब थोड़ा सा पापर टेस्ट करो, पता लग जाएगा ये मिर्ची का तीखापन इतना क्यों है, ये नॉर्मल चिल्ली से 2,800 टन तक तीखा रहता है पेरी पेरी चिली, ये पेरी पेरी चिली, और सबसे पहला नंबर में आता है आसाम के साइड में भुज जलकिया, नॉर्थ ईस्ट में आता है उसका नाम है भुज जलकिया, गोश्त पेपर, गोश्त पेपर ये ये कहाँ पर लगती है देखो, हर एंडिंग में 4 पत्ते खिल कर रुकते हैं ना, उसके अंदर से मिलता है छोटा सा बंच में आता है, हाँ, और उसी बंच में 8-10 लगा रहता है, ये तो फ्लावर में भी नहीं आता, फ्रूट में भी नहीं आता लॉन्ग है कि नहीं, लाइक ए बर्ड, क्लो बर्ड, तो उसमें पहली बार जब लगता है ग्रीन, रेडी जब हो जाता है तो ब्राउन,
मार्केट में पहुंचता है तो काला वाला मिलता है हमको, एक नहीं ब्लैक कलर का, जो ब्राउन रहता है उसमें तेल रहता है, ऑयल रहता है, निकाल दिया जाता है तो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद मार्केट में पहुंचता है। और ऑयल को इसीलिए निकालते हैं, सबसे अच्छा डेंटिस्ट के लिए माना जाता है, मॉस्किटो रेपेलेंट, माउथ पेस्ट में टूथपेस्ट हर जगह पे यूज होता है, इसलिए तो आपको मार्केट में काला वाला मिलता है। पर काले में भी रहता है मेडिसिनल, देखो कोई खाना खाने के बाद लौंग को मुंह पे रखता है, क्यों? क्योंकि खाना को डाइजेशन करता है और गला भी क्लियर करता है। ऐसा एक प्लांट है, उसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, 3-4 महीने का जो प्लांट होता है तब से फ्लावर आता है, उसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि लौंग को हाथों से निकाला जाता है, जमीन के ऊपर गिर जाएगा तो चारों तरफ बिखर जाएगा ना ये, इसलिए उसको हाथों से निकाला जाता है। लाइक बनाना प्लांट इतना ही हाइट रहता है, थोड़ा सा लीटर लगा के उसको निकाला जाता है। सबका टेस्ट भी आएगा, टेस्ट करके देखो एक बार, हाँ ये तीखा भी लगेगा, मीठा भी है, कड़वा भी लगता है, जलन भी होता है, ठंडक भी रहता है, मिंट की तभी तो कहते हैं इसको गर्म, घर में जो बनाते हैं सब चीज को ढूंढना पड़ता है। उसका पेड़ भी होता है गर्म मसाला, ये एक पेड़ में से आपको हर एक मसाला का टेस्ट भी आता है, खुशबू भी आता है, ये एक ही पत्ता उसको यूज किया जाएगा तो मसाला का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको पूरा, है कि नहीं? ये होता है गरम मसाला, तो मार्केट में इसका अलग नाम से जाना जाता है, जमैकन पाउडर बोल के नाम से, जमैकन पाउडर। गरम मसाला मांगेंगे तो भाई साहब एक पैकेट नहीं था हमारे का जिसमें हर एक मसाला मिक्स रहता है, कहते हैं ये गरम जमैकन पाउडर, पाउडर पंप सबसे अच्छा रहता है क्योंकि ज्यादा दिन हरी इलायची, तो इलायची ये सूट में आती है, जमीन के ऊपर से आती है, इतना महंगा रहता है ये छोटी इलायची, दुनिया का तीसरा महंगा मसाला, क्यों पता है? एक प्लांट के ऊपर पूरी एक साल में 3 या 4 इलायची मिलती है, पूरी एक साल में 3 या 4 इलायची, ये जो बूसे से अगर मिल सकता है आपको कितना मिलेगा? 30-40 ग्राम इलायची मिलेगा पूरी एक साल में, 30-40 ग्राम। और इसको मसालों का रानी कहते हैं क्योंकि स्मेल की वजह से, जो खुशबू आता है पत्ते के ऊपर नहीं आता है इलायची का खुशबू, इलायची को जब खोलेंगे तब जाके स्मेल आता है, हाथों में लेके स्मेल करोगे तब भी नहीं मिलता इलायची का, तभी मसालों का रानी। और एक काली वाली आती है बड़ी इलायची जो कहते हैं ना, पहाड़ी एरिया में ज्यादा आती है। मेडिसिनल वाटर क्या है? ये रिलैक्सेशन वाटर है, घूमने के बाद थोड़ा इतने फील होता है ना, सुबह ट्राई करना है किसी को, नहीं तो वहाँ पर लंच हो गया। हाँ कितने हैं अभी?